हेलो टू वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में और चलने वाले हैं लुलू मॉल घूमने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो आइए चलते हैं और निकलते हैं। आए हैं घूमने हम आपके वास्ते, कि आए हैं घूमने हम आपके वास्ते, चलेंगे लुलू मॉल शहीद पथ के रास्ते। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अवध बस स्टेशन से कानपुर रोड पे निकल चुके हैं, जिसका नाम है शहीद पथ। हे गाइस, ये रहा लखनऊ का स्टेडियम जो शहीद पथ के जस्ट किनारे स्थापित है। यह स्टेडियम माननीय अखिलेश जी द्वारा बनवाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फोनिक्स पलासियो मॉल है जो स्टेडियम के जस्ट किनारे स्थापित है, जो अपने आप में बहुत ही विशाल है। हम लोग लुलू मॉल के जस्ट करीब पहुंच चुके हैं और ये उसी के जस्ट बगल में अच्छा सा पार्क बनाया गया है, जिसका एक सुंदर प्यारा दृश्य आप देख पा रहे हैं। और ये रहा पार्क का सेल्फी स्टैंड। हे गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लुलू मॉल, जैसा कि एक सुंदर प्यारा दृश्य आप देख पा रहे हैं। लुलू हाइपर मार्केट गेट नंबर 1 ये गली है। आप अंदर जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और गेट नंबर 1 से एंट्री ले सकते हैं। कि रात में घूमता है उल्लू, कि रात में घूमता है उल्लू, आइए आज हम आपको घुमाएं लुल्लू। आप देख सकते हैं ये लुलू मॉल विशाल और भव्य बना हुआ है, जिसके संस्थापक M A Yusuf अली जी हैं, जो भारतीय व्यापारी हैं, जो केरल के त्रिशूर ज़िले के रहने वाले हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, इन्होंने अपना कारोबार 22 देशों में फैला रखा है। दोस्तों लुलू एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक चमकदार मोती। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में कुल 193 लुलू मॉल हैं। यूसुफ अली जी ने लुल्लू ग्रुप की शुरुआत 1995 में की थी। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम लुलू रखा क्योंकि यूसुफ के टारगेट कस्टमर अरब देशों के थे, जिसकी वजह से उन्होंने लुलू नाम को अपनी कंपनी के साथ जोड़ लिया। तो दोस्तों ऐसी ही और जानकारियाँ हम लखनऊ के लुलू मॉल की आपको बीच बीच में अवगत कराते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग लुलू मॉल के एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अंदर कैमरा अलाउ है नहीं, तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि होता क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। लगती है जांच 2 नंबर के सेट पर, कि लगती है जांच 2 नंबर के सेट पर। पहुँच चुके हैं दोस्तों लुलू मॉल के गेट पर। तो हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2 के एंट्री पॉइंट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी जांच चल रही है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बम ढूंढ रही है। तो और यहाँ पे दोस्तों एक सुविधा और दी गई है, अच्छा खासा MRI किया जा रहा है शरीर का। तो आप जल्दी जाइए और जांच कराइए फोकट में। ये रहा लुलू मॉल का एंट्री गेट। तो भैया अंदर घुस, तबीयत खुश। दोस्तों हम लोग 6 नंबर काउंटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे लगेज वगैरह जमा किया जाता है, तो हम लोग अपना कैमरा यहाँ पे जमा कर दिए हैं। तो आइए अब निकलते हैं और मॉल दिखाते हैं। दोस्तों हम लुलू मॉल के गेट से इंटर हो चुके हैं, जिसका एक प्यारा व्यू आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं जहाँ पे लुलू मार्केट की हाइपर मार्केट है और ढेर सारे ब्रांड्स हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये लुलू हाइपर मार्केट है जहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो देसी आइटम्स हो चाहे वो विदेशी आइटम्स हो, आपको जो भी लेना है यहाँ से आके ले सकते हैं। यहाँ पर लुल्लू दिवाली मेला लगा हुआ है और यहाँ पर सभी आइटम्स पर ऑफर्स चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर का एक प्यारा व्यू है। तो दोस्तों हम कुछ आपको और बता देना चाहते हैं। लुलू ग्रुप ने उत्तर भारत में सबसे पहला मॉल लखनऊ में खोला है। इस ग्रुप ने लगभग 57,000 लोगों को रोज़गार दिया है। यह एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। लखनऊ में लुलू मॉल खुलने के बाद 12 और शहरों में दस्तक देने की तैयारी में है। देश का सबसे बड़ा लुलू मॉल आकर्षण एवं हर ज़रूरत की सामग्री का जखीरा है। प्यारे दोस्तों हम लोग टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ का एक प्यारा नज़ारा आप देख सकते हैं। दोस्तों लुलू मॉल से आप लखनऊ का एक प्यारा नज़ारा देख सकते हैं। लुलू मॉल का ये वो फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर पे हम लोग हैं और ये पूरे कांच से लेस है। कांच के अंदर से हम बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ से आपकी नज़र जहाँ तक काम कर रही है वहाँ तक पूरा लखनऊ का एक प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है। जो ब्रांड्स हैं वो आप देख सकते हैं। मॉल में इतने सारे ब्रांड्स हैं कि मैं आपको सारे ब्रांड्स नहीं दिखा पाऊंगा। आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है मैं आशा करता हूं वो यहाँ पे उपलब्ध ज़रूर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा घूम चुका हूं और सारे ब्रांड्स को देखा हूं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा ब्रांड्स है जो छूटा हुआ है। आपका फेवरेट ब्रांड्स कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इस मॉल को बनाने में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 300 इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड शामिल किए गए हैं। देख पा रहे हैं ये प्ले ग्राउंड है टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे बच्चे आते हैं छोटे छोटे और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं, काफ़ी आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे झूले हैं, इतने सारे गेम हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बैलून रखे गए हैं और छोटे छोटे बच्चे मनमुग्ध होकर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर लकड़ी की काठी वाला झूला है जिस पे बच्चे और बच्चियाँ मनमुग्ध होकर मस्ती कर रहे हैं। ये मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। आपको यदि फोर व्हीलर चलानी नहीं आती तो आप यहाँ पर आके थोड़ा सा एंजॉयमेंट ले सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। भाई बच्चियों देख सकते हैं आप, ये चले जा रहा है, ये देखने में इतना खतरनाक है, लोग झूल के फिर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। काहो लोगन करे जब झुराया जा सोई। जो लोग झूला झूल रहे हैं उनका तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, ये खतरों के खिलाड़ी लोग हैं। तो दोस्तों आपको यदि अक्षय कुमार के ट्रेनिंग शो में जाना है खतरों के खिलाड़ी में, तो आप यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। दोस्तों चुप चुप भैया चल बम भैया, ये तो गई भैया धर्राटे का। ये पापा की परी है क्या? अरे नहीं, ये तो माँ का मगरमच्छ है। ये आकाश में कहाँ तफरी कर रहा है, इसको तो पानी में रहना चाहिए। यहाँ पर एलियन की दुनिया में जाने के लिए लोगों को तैयारी कराई जा रही है। यदि आपको तैयारी करनी है तो आके इस झूले पे आप झूल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 360 डिग्री झूला है। रुको जरा सब्र करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मज़ा आया। ये बड़े बच्चों के लिए एकदम ऊपर जो है थोड़ा सा फ्लोर बना के व्यवस्था की गई है, यहाँ पे बड़े बच्चे अपना गेमिंग करते हैं। शादी ब्याह में बैंड बाजा वाले जो झुंझुना बजाते हैं वो यहीं से ट्रेनिंग लेके आते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक भाई साहब ट्रेनिंग ले रहे हैं। हे गाइस, ये लुलू मॉल की पार्किंग है। मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा ये लुलू मॉल है उतनी ही बड़ी ये पार्किंग भी है। अगर आप पूरा पार्किंग ही घूमने लग गए तो आपका आधा दिन इसी में चला जाएगा, जिसका एक प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका पार्किंग एरिया कितना बड़ा है। तो दोस्तों हम आपको कुछ और बता देना चाहते हैं, लखनऊ का ये जो लुलू मॉल है वह 10 लाख स्क्वायर फीट लीज एरिया के साथ 22 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नो पार्किंग में कभी भी गाड़ी मत लगाइएगा। आप देख सकते हैं, ये लीजिए गई दर्राटे काटती हुई। तो दोस्तों, थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए क्यों रिस्क लेना है, ये लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए रिस्क लेते हैं। अब गाड़ी लग गई, अब उससे ज़्यादा लग जाएगा ना। मॉल में अच्छी खासी पार्किंग दी गई है, लोग 20-30 रुपए बचाने के लिए जो है बाहर गाड़ी लगाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, और अपने आप को भी सेफ रखिए और गाड़ी को भी सेफ रखिए। दोस्तों, हम लोग लुलू मॉल घूम के बाहर निकल गए हैं, हमें बड़ा ही आनंद आया। हम पूरा घूम नहीं पाए, हमें लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं अंदर गए हुए। तो हम लोग निकले, यहाँ शाम हो चुकी है पूरी तरह से। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। तो आज हमारे साथ जो भाई आया है शूट करने के लिए, आइए हम उनसे मिलाते हैं। ये रहा अपना भाई, आज हम इन्हीं के साथ आए थे शूट करने के लिए। हम दोनों भाई मिलके वीडियो शूट भी करते हैं और एडिट भी करते हैं। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है जो हम दोनों के साथ थी। भाई, कुछ कहना चाहोगे आप? यही कि बहुत आनंद आया लुलू मॉल में घूम के, और इतना बड़ा पहली बार मैं मॉल देखा हूँ जी। हाँ, तो बहुत ही आनंद आया। आनंद आया ना? हाँ, ठीक है भाई, बहुत आगे बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना प्यार और दुलार ऐसे ही बरसाते रहिए, ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। या इस लुलू मॉल में सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।